मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए हैं अब्दुल मनान, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मुकदमा दर्ज किया था असिस्टेंट कमिश्नर ने, जिनका नाम जतोई है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि अब्दुल मनान ने अपने गार्ड्स के साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और ये जो मुकदमा था ये 18 और 19 मई के दरमियान जो है आप कह लें वो दर्ज किया गया था। और उसके बाद अब्दुल मनान ने अदालत से रुजू कर कबल वक्त जो जमानत है वो हासिल कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। हमने देखा कि पीटीआई के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके गिरफ्तारियों के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई ने एक जलसा किया और उस जलसे के दौरान पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इंतहाई सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो किया गया। और सबको पता था कि ये जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है इन्हें इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनमें शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर जो हैं वो काबिले ज़िक्र हैं। अब पहले ये लग रहा था कि पीटीआई के ऊपर ही आप कह लें कि सख्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आज एक अहम न्यूज़ जो है वो आई है और वो न्यूज़ है कि मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए हैं अब्दुल मनान, उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मुकदमा दर्ज किया था असिस्टेंट कमिश्नर ने, जिनका नाम जतोई है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि अब्दुल मनान ने अपने गार्ड्स के साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और ये जो मुकदमा था ये 18 और 19 मई के दरमियान जो है आप कह लें वो दर्ज किया गया था। और उसके बाद अब्दुल मनान ने अदालत से रुजू कर कबल वक्त जो ज़मानत है वो हासिल कर ली थी, लेकिन आज उनकी जो ज़मानत है वो खारिज कर दी गई थी और उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सियासी रहनुमा हैं ये इस तरह से गिरफ़्तार होते हैं कि पहले लगता है कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं जब इनका वक्त चल रहा होता है, जब ये सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं तो इन्हें वो सिस्टम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम से बाहर चले जाते हैं इन्हें ना सिर्फ उस सिस्टम से आप कह लें कि ऑब्जेक्शन होने लग जाता है, बल्कि अचानक से ही इनके अंदर एक ऐसी रूह बेदार हो जाती है कि इनके अंदर इस तरह का जोश व वलवला शुरू हो जाता है कि हमने इस सिस्टम को बदलना है। जबकि दर हकीकत इन्हें सिस्टम से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता, इनकी जो सारी लड़ाई होती है वो इस वजह से होती है कि इन्हें सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है और ये लड़ाई इसलिए लड़ते हैं ताकि ये सिस्टम में फिर से वापस आ सकें। इन्हें ना तो ना इन्हें आवाम से कुछ लेना है, ना इन्हें आवाम की मुश्किलात से कुछ लेना है, बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़वाद ही देखते हैं। आप ये देखें कि जो हकूमती अरकान हैं या फिर जो आप कह लें अपोजिशन के जो अरकान हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए, इस तरह से कि हम देखें कि वो कानून की पासदारी करें, वो कानून के ऊपर अमल करें। पहले हमने ये देखा कि पीटीआई का जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में उसमें कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, इस तरह से कि जब उन्हें एक चीज़ के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि जलसे का जो इख्तिताम का जो टाइम है वो 7 बजे है, लेकिन हमने देखा कि वो जलसा 7 बजे के बाद तक चलता रहा। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं सियासतदानों की जानिब से। फिर अब हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल मनान की बात कर लेते हैं। आप एक अवामी ओहदे पर हैं, आप एक एमपीए हैं, आप किस तरह से एक कानून के रखवाले के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं? और अगर यही तशद्दुद कोई आम रेहड़ी वाला कोई सब्जी फरोश करता तो क्या उसको इतनी ढील दी जाती? यकीनी तौर पर नहीं, बल्कि
उसको ना सिर्फ उसी वक्त गिरफ्तार किया जाता बल्कि उसे एक इबरत का निशान बना दिया जाता कि किस तरह से तुमने जुर्रत की है एक गरीब इंसान होकर एक असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर हाथ उठाने की। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है, क्या पाकिस्तान में कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए है कि जो अमीर लोग हैं वो कानून से बालातर हैं? अगर ऐसा ही है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो कानून है उसमें इस चीज़ को मेंशन कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर लागू होगा। जो अमीर हैं वो हर तरह के कानून से बालातर हैं, वो किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं, किसी भी वक्त कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं और जब उनका दिल करेगा वो कानून पर अमल करेंगे और जब उनका मूड नहीं होगा कानून पर अमल नहीं करने का तो उनसे किसी भी किस्म की कोई पूछ-गुछ नहीं होगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान में क्या दो तरह के कानून हैं, एक कानून गरीब अवाम के लिए और एक कानून अमीर अवाम के लिए जिनमें सियासतदान खसूसी तौर पर शामिल हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। आपसे मुलाकात फिर होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।